अरे प्यारा भारत, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। पूरे देश की नज़र उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर है, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा का रास्ता उत्तर प्रदेश के विधानसभा से ही जाता है, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य भी है। इस समय हम खड़े हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, हमारे साथ युवा विद्यार्थी हैं। आइए विद्यार्थियों से जानते हैं कि इस बार विश्वविद्यालय में क्या माहौल है, किस पार्टी का माहौल है। आप लोग बताइए सर, इस बार जो चुनाव होना है क्या माहौल है इस बार? माहौल देखिए, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त आ चुके हैं। हर वर्ग परेशान है, व्यापारी अलग परेशान है, किसानों का अलग शोषण हो रहा है, छात्र अलग परेशान है, इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाली एम्प्लॉयमेंट अलग परेशान है, यहाँ तक कि किसी के चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही है। हाँ, खुशी वैसे लोगों पे दिख रही है जो लोग मुखर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर सकते हैं, वो उनके चेहरे पे ज़बरदस्ती वाली वो खुशी वो ला रहे हैं, लेकिन खुशी वास्तविकता अगर मीडिया चैनल कैमरा हटा करके अगर व्यक्तिगत बैठ करके उनसे भी पूछा जाए तो उनके भी दिल में बहुत कष्ट और पीड़ा है इस सरकार के खिलाफ। अच्छा, विकल्प किसको देख रहे हैं आप लोग? विकल्प देखिए, हम एक छात्र नौजवान, जागरूक नौजवान होने के नाते 5 साल हमने पूर्ववर्ती सरकार को भी देखा और 5 साल महज पूरे होने वाले हैं इस भारतीय जनता पार्टी की, योगी बाबा की शासन को भी देखा। दोनों में अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से अगर विश्लेषण करें तो विकास के मुद्दे पे ले लीजिए, रोजगार के मुद्दे पे ले लीजिए, शिक्षा के मुद्दे पे ले लीजिए, या भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ले लीजिए, रेप लूट और हत्या के मुद्दे को ले लीजिए, तो हर मुद्दे पे ये सरकार विफल तरीके से ऊपर चल रही है। पिछले पूर्ववर्ती सरकार के अपेक्षा करप्शन, भ्रष्टाचार, लूट, रेप, हत्या, महंगाई, अशिक्षा, गरीबों, शोषितों, वंचितों का शोषण, हर मामले में सरकार आगे चल रही है। अच्छे विकल्प जी, बिल्कुल। आप बताइए सर। जी, आपको क्या लग रहा है मुख्यमंत्री इस बार किसको बनना चाहिए? हमारे जो सर्वमान्य नेता हैं इस उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो जिनका ओजस्वीकार किसी से छिपा नहीं है और पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत जानता है। आज इनका मॉडल फ्रांस में काम कर रहा है और शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि कोविड काल में जब प्रशासन ने, योगी जी के प्रशासन ने के नाम है, एक अच्छा कार्य किया, तो उस चीज़ को मॉडल बना करके लोग फ्रांस में जब वहाँ समीक्षा होती है तो फिर योगी जी का मॉडल वहाँ तैयार किया जाता है कि ये होता है, ये बातें होती है कि योगी जी के मॉडल के तर्ज पर ही वहाँ के नाम है काम होगा। और ये जो के नाम है विपक्षी पार्टियाँ हैं, ये कह रही हैं कि त्रस्त है, ये दलाल त्रस्त हैं जो दलाली करते थे पिछले लगातार 5 साल 10 साल जो इससे पहले बसपा सरकार रही, फिर उन्होंने अपने तरीके से प्रशासन चलाया, ठीक, उसके बाद और जातिवाद और धर्मवाद की बात करते हैं ये लोग। ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन जो इसमें काम कर रहा है इसमें ना जातिवाद है ना धर्मवाद है, और जो जनता चाहती थी, चाहे वो 370 हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, और चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे विकास की बात हो, हम सब पे खड़े उतरे हैं और हमारा भी कल का भविष्य हमारा है, और आज भी हम लोग मजबूत हैं और योगी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। बड़े महंगाई बढ़ गया है आपके अभी सामने बोले। अरे तो अगर शेर पालना है तो थोड़ा बहुत तो महंगाई करनी पड़ेगी। और योगी जी के नाम है हमारे मुखिया हैं और ये लोग दलाली करके और के नाम कह रहे हैं कि बेरोजगार हो गई है, बेरोजगारी आ गई है और महंगाई बढ़ गई है। देखिए, विकास होगा तो पैसा लगेगा, काहे नहीं सरकारी स्कूल में लोग पढ़ लेते, क्यों नहीं पढ़ लेते बताइए? देखिए, क्यों नहीं पढ़ा? ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जागरूक नौजवान हैं, उनका स्टेटमेंट आपने अभी सुना, शेर पाला है तो महंगा पड़ेगा। हम राष्ट्रवादी हैं, हम किसी भारतीय जनता पार्टी के नहीं। देखिए, राष्ट्रवाद इनका ये स्वघोषणा है, ये स्वघोषित राष्ट्रवाद है इनका। ये राम मंदिर को विकास का मुद्दा बताते हैं और राष्ट्रवाद को ये देश को चलाने की व्यवस्था राष्ट्रवाद को बताते हैं। क्या शुक्र मनाइए कि हमने विकास का मुद्दा उसको कम बनाया, तो इन्होंने इनके मुखिया ने वादा किया था कि जब राम जन्मभूमि की फैसला आ जाएगा उसके बाद हम दर्शन करने आएंगे। आज तक वो दर्शन नहीं करने गए, उससे पहले सरकार रही, अयोध्या का नाम लेने कतराते थे लोग, क्यों नहीं इनके पास कोई जवाब रहता, पूछिए इनसे जरा। नहीं नहीं, देखिए महोदय, हमारे लिए राम जी एक आस्था का विषय है, एक श्रद्धा का विषय है, हमारे लिए एक राजनीति का मुद्दा नहीं, हमारे लिए एक राजनीतिक विषय राम जी का नहीं है। राम जी एक आस्था का विषय है और हमारे मन में, हमारे दिल में ईश्वर और भगवान के लिए आस्था बराबर की है। ये निजीकरण, जिस प्रकार से मौजूदा सरकार निजीकरण पे तुली हुई है, उतारू हुई है, उसी प्रकार से ये लोग स्वघोषित राष्ट्रवाद का नाम लेकर के राम जी को का
शुद्धिकरण करने का काम इन लोगों ने किया है। मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना? बेशक मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत गौरव और अपार हर्ष का विषय है। मंदिर का निर्माण हमारे लिए बहुत आवश्यक और बहुत हर्ष का विषय है कि रामचंद्र जी का जो त्रिपाल में रामचंद्र जी को रहना पड़ता था, उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण बहुत आवश्यक है। मगर मंदिर के नाम पे भ्रष्टाचार, मंदिर के नाम पे धनुगाही, मंदिर के नाम पे राजनीतिक मुद्दा बनाना, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, प्रखर विरोध करते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा राम मंदिर बनने से क्या विकास का रास्ता खुलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, राम मंदिर की नींव परत जो है वो बन चुकी है, पहली लेयर तैयार है, और जो अभी निर्माण लगातार चल रहा है, और आने वाले एक दो साल में वहाँ का विकास अभी भी दिखाई दे रहा है, और वहाँ जो होटल्स बनेंगे, उसके बाद वहाँ जो रेहड़ी पटरी वाले, मिठाई वाले, और जो अपने जो छोटे मोटे जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो पर्यटकों का क्या नाम है, आना जाना बढ़ेगा। तो उससे क्या रोज़गार, वो रोज़गार नहीं, वो काम नहीं है, काम कभी छोटा नहीं होता है। इन लोगों ने काम को इतना वो कर दिया है कि अब ये मतलब छोटे छोटे काम अगर होना है तो इनके लिए वो काम नहीं है। राम मंदिर नाम देते में लोग कतराते थे, जब इनके मुखिया हैं, जब भी नाम आता था तो कहते थे कि राम मंदिर से हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हैं। इन्होंने वहाँ भी बंटवारा कर लिया। अखिलेश यादव तो हज हाउस बनवाए थे 500 करोड़ का। जी बिल्कुल बनवाए थे, होना चाहिए। ये समाजवाद है, इस समाजवाद में हर वर्ग हर तबके का हिस्सा होना चाहिए। राम मंदिर 100% हमने कहा, कब कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? जिस प्रकार से हमारे मुखिया ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने हज हाउस का निर्माण कराया, उसी प्रकार से मौजूदा सरकार निर्माण करा रही है राम मंदिर का। लेकिन उस राम मंदिर के निर्माण के रहस्यों के बारे में आप जाइए, ये अभी हमारे मित्र ने, हमारे सहपाठी ने अभी बात की रेहड़ी पटरियों वालों की, तो ये सरकार तो रेहड़ी पटरियों वालों को उखाड़ के फेंकने का काम कर रही है। कहां से रेहड़ी पटरियों वालों की चिंता की बात करने लगे? अभी आप अयोध्या के ग्राउंड पे चले जाइए, अयोध्या के अगल बगल तमाम बिरादरी, छोटी बिरादरियां ऐसी हैं जिनकी मंदिर के नाम पे, जिनका 500 साल से, सैकड़ों, सौ साल से लगभग उनका घर वो रह रहे हैं, और राम मंदिर की भूमि के नाम पे, जमीन के नाम पे उनका घर तोड़ दिया गया, उनको सड़क से बाहर फेंक दिया गया। अभी मीडिया तो बनारस में भी तोड़ा गया। जी जी बिल्कुल तोड़ा गया। इनके पास गलत जानकारी है, किसी का आवास, किसी का नहीं तोड़ा गया है, और जिसको भी, जिसकी भी जमीन उसमें गई है, उसको मुआवजा दुगना, सर्किल रेट से दुगना दिया गया है। उनको पहले नोटिस दी गई थी कि आपकी जमीन के नाम है इसमें आ गई, चाहे वो हवाई अड्डा हो, चाहे राम जन्मभूमि हो। ठीक, इनके पास गलत जानकारी कि किसी का आवास तोड़ा जाएगा, योगी जी का शासन है, माफियाओं, सुनिए, माफियाओं का आवास तोड़ा गया। माफियाओं का आवास क्यों तोड़ा गया? जब आप मुख्तार अंसारी जैसे लोग ये लोग पालें, और उसके बाद हमें बता रहे अपराध बढ़ रहा है, मुख्तार अंसारी ये पालें, अतीक अहमद ये पालें, इन्होंने सह दी अपराधियों को सह दे रहे हैं। ठीक है, और अभी एक बात और ये कहेंगे कि योगी जी के ऊपर इतने अपराधी मुकदमे हैं, जरा हमको दिखाइए, जरा आप बताइए, ये तैयार रहते हैं पहले से कि हम अपना चिट्ठा लेके, फर्जी चिट्ठा लेके, क्या नाम है, फर्जी चिट्ठा लेके तैयार। मान लीजिए अगर मुख्तार अंसारी हैं, अतीक अहमद हैं, या कोई अपराधी है, उसकी आप गिरफ्तारी करते हैं, वो जेल में है, कुछ अपराधी तो जेल में मार दिए जा रहे हैं नाटकीय ढंग से, जो गिरफ्तार होते हैं उनके अपने कोर्ट सजा देगी, बाकी जो नीलामी का एक तरीका है, ये थोड़ी ना है कि आप अपराधी हैं, आपके मुकदमा कुछ सिद्ध तो हुआ नहीं, आपके पास सिर्फ आरोप लगे हुए हैं, और आप आकर उनका घर गिरा दे रहे हैं पर्सनल दुश्मनी से। और पहले ऐसे मुख्यमंत्री ये हैं जो सत्ता में आने के बाद जिन्होंने अपने ऊपर के मुकदमे सर्वप्रथम वापस लिए और खुद को मतलब व्हाइट कॉलर बनाया। रही बात अयोध्या की, मैं अयोध्या वासी हूँ, और अयोध्या में जिस हिसाब से धनुगाई वहाँ के मेयर कर रहे हैं, अभी हाल ही में ये चर्चा में भी आया था, मीडिया में भी चला था, अब वो शांत हो गया, लगातार वो यही माहौल वहाँ पे जो चल रहा था वो चल रहा है। रेहड़ी पटरी वालों की बात रही तो रेहड़ी पटरी वालों को मोदी लोन देते हैं, वो आके लगाते हैं, फिर पुलिस उनको उठा के उखाड़ के फेंक देती है पीछे, फिर वो किसी के पास जाते हैं। बात अभी राम मंदिर की चल रही थी, तो कोरोना काल चल रहा था, राम जी का मंदिर नहीं खुला, लखनऊ में मैं था, लखनऊ में कोई मंदिर नहीं खुला, लेकिन ठेका खुलेगा, आप दारू पीजिएगा, राम भक्ति करिएगा, यही भाजपा की राम भक्ति है। ठीक है, दर्द किसानों से पूछना चाहिए, किसान की एक भैंस मर जाती है तो उसके सपने मर जाते हैं। ठीक है, फसल का भी मुआवजा नहीं मिलेगा, आप केवल नाम से कहिएगा कि मुआवजा मिल जाएगा, आप जा करके किसान, अच्छा एक बात बताइए, आप दर्द मेरा है मैं जानूंगा ना,
कि डॉक्टर बताएगा कि क्या दिक्कत है, किसानों से नहीं पूछेगा आप, किसान धरना। तो राकेश टिकैत किसान थोड़ी ना है, वो तो छोड़ दीजिए आप। चलिए नहीं, नॉर्मल किसान की मैं बात कर रहा हूँ, आप वहीं पे क्यों? तो हम लोग, आप लोग खुद एक प्रोपेगंडा बना दिए हैं कि किसानों को केवल राकेश टिकैत जी से जोड़ा जाएगा। सुनिए, उनसे बात करिए जिनके पास 5 बीघा जमीन है। भैया, यूरिया का दाम जो है, डाया का दाम 1300 है, और ठीक है, मोबाइल का रिचार्ज, अंबानी के मोबाइल का रिचार्ज 250 से 400 पहुंच जाएगा, किसान का गेहूं 1500 से 2000 नहीं पहुंचेगा। भाजपा जवाब दे इस बात का। अब अंबानी अडानी का मतलब है, ठीक है, वो भी बिजनेसमैन है, तो वो भाजपा के साथ ही है ना, इसीलिए बात किया जा रहा है। नॉर्मल नौजवानों से पूछिए, फीस वृद्धि, आपसे जब फीस वृद्धि का मामला आएगा, फीस वृद्धि। नॉर्मल किसान से हम लोग भी मिलते हैं, राकेश टिकैत को कोई जानता नहीं है। कल जो भारत बंद था, सुनिए, कल भारत बंद था, लखनऊ में असर था कोई? कल भारत बंद था, लखनऊ में कोई असर था? कोई असर नहीं था। इन्होंने आर्टिफिशियल किसान तैयार कर दिया राकेश टिकैत को, ठीक, एसीम रहते हैं, जो परमानेंट एसीम के दायरा है, बढ़िया बिरयानी ये सब चल रही है, धक्का बिल, सॉरी, ठीक। और इन्होंने सुनिए, इनके जी को हाइप नहीं देनी चाहिए, मीडिया को, नॉर्मल किसान को हाइप देनी चाहिए, जो फटी एड़ियों से गांठे चप्पलों से काम करता है, जो बाड़ा पे तौलाता है गेहूं, तब जाके एटीएम से स्वाइप करके अपना लड़का नहीं पढ़ाता है, वो बाड़ा पे तौला के गेहूं बेचता है, सुनो, हम लोग और लोगों जानते। आज पीड़ा ये है कि आज चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, इस बात की पीड़ा है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। कल भारत बंद था, कल भारत बंद था, अब ये बताइए ना, कल भारत बंद था, लखनऊ बंद क्यों नहीं था? खत्म करिए, कल भारत बंद था, लखनऊ बंद नहीं था, तो किसी को समर्थन है ही नहीं, किसान का किसी को समर्थन? आपको जो है मतलब आपत्ति है, और गरीब माँ का बेटा 51 लाख रुपए का सूट पहनता है, उस पर आपत्ति नहीं है? प्रधानमंत्री बना है सूट पहनने के लिए, उसके पहले चाय बेचता था। मैं आम आदमी, सुनिए, ईरानी जी भाजपा की है, स्मृति ईरानी जी भाजपा की है ना, जब तेल महंगा था और डीजल महंगा था, पेट्रोल महंगा था, गैस महंगा था, तो आ जाते थे गैस लाद करके, तब दिखता था, तब दिखता था ना। एक मिनट, हमारे प्रधानमंत्री जी सुनिए मेरी बात ध्यान से, हमारे प्रधानमंत्री जी एक्सेप्ट करिए कि महंगाई है, हमारे एक लोग हमारे प्रधानमंत्री जी सुनिए, झंडा बना के राकेश टिकैत जी किसान है, वही किसानों की मसीहा, ऐसा नहीं। मैं अपने सभी बड़े भाइयों की बातों का खंडन नहीं कर रहा हूँ, पर बस एक बात कहना चाहूंगा, आपने 3 उपचुनाव देखा ही है, 3 महीने बाद विधानसभा हो जाएगा, आप देख लेंगे, इसमें क्या बोलना, जनादेश बोल दिया ना। योगी जी बहुत तेजी से आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में फिर से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और ये जो लोग, ये जो लाल टोपी वाले हैं, ठीक, इनकी जमानत ना जब्त हो जाए तो कहिएगा, हम भी आप यही हैं, आप भी यही हैं, ठीक, समाजवाद और समाजवाद संविधान में इस वजह से लाल टोपी कभी बात हो सकती, लाल टोपी समाज हुए थे, हाल में जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें जनता ने अपना जनादेश दिया था, लेकिन वो चुनाव ऐसा चुनाव तो नहीं था, वो डीएमएसपी वर्सेस उम्मीदवार था, उन्होंने बोला था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूतों चार, उनका आज हासिल क्या हुआ आप जान रहे हैं। एक तिवारी जी, इन्होंने बोला था मायावती जी ने कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूतों चार, उनका आज जो हासिल है वो आपके सामने है, ठीक। अखिलेश यादव जी ने के नाम है, जिस तरह से ब्राह्मणों ठाकुरों की जिंदगी की, ठीक, यहाँ ठीक, एक मिनट, इन्होंने जिस तरह से ब्राह्मणों और ठाकुरों को के नाम है साइड किया, अनदेखी की, ठीक, तो उसका भी जवाब इनको मिलेगा। और जो के नाम है प्रबुद्ध सम्मेलन करा ना, ब्राह्मण सम्मेलन और ठाकुर सम्मेलन, ये सब दिखावा इन लोगों का, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो भी जातिवाद, ना जातिवाद है ना धर्मवाद है, सभी समाजवाद, अखिलेश यादव 3 महीना रुक जाइए, आपके सामने परिणाम होंगे, परिणाम काम नहीं बोलता, परिणाम बोलता है सिर्फ और सिर्फ योगी जी। हम और विद्यार्थियों से लेने का, जानने का प्रयास करते हैं, आप लोग बताइए, यूपी में जो विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? मुख्यमंत्री के रूप में तो जो हम इस बार अखिलेश यादव को ही देखना चाहेंगे, और उसकी वजह, पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैं किसी भी पार्टी की विचारधारा का गुलाम नहीं हूँ, ना ही मैं भाजपा का समर्थक हूँ, ना ही मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक हूँ, मैं सच को सच और गलत को गलत कहूंगा। अगर युवाओं के लिए किसी ने कार्य किया है तो अखिलेश यादव ने किया है। आप जो है रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, योगी जी ने अगर कोई कार्य किया है तो 80 प्रशासनिक कार्य किए हैं, पुलिस को टाइट किया है, और पुलिस को वह इस कदर टाइट कर दिया को किसी को उठा के जेल में डाल देती है, ठीक। नौकरी के लिए उसने क्या किया? कुछ नहीं किया।
नौकरी के लिए उसने, अगर आपको चपरासी भी बनना है तो आपको पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा पहली चीज़। अगर पेट का एग्ज़ाम होता है तो करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, करोड़ों अरबों की कमाई होती है, पेट्रोल पंप पे लौंडे पेट्रोल भरवाते हैं उसकी कमाई होती है, रोडवेज बसों से उनकी कमाई होती है, रोजगार के लिए क्या किया उसने? सबसे मुद्दा, सबसे बड़ी बात है हमें रोजगार चाहिए। ठीक है, आप बताइए भैया, हमें कुछ नहीं पता है। आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। योगी जी वर्तमान में जो सरकार है वही सही है, उसी को दोबारा आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, मोदी एंड योगी। अरे उनकी विचारधारा अच्छी है, काम अच्छा कर रहे हैं, और जहाँ के हम बलिया के रहने वाले हैं वहाँ पर भी मतलब पहले शांति व्यवस्था पहले से ज्यादा काफी हद तक सही हुआ है। भैया क्या मतलब जी, योगी जी, योगी जी महाराज जी, इसमें कोई संशय नहीं है। और उत्तर प्रदेश की 64% जनता तय कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी महाराज की सरकार फिर से बनने जा रही है। 36% में बाकी सब लोग हैं, सब बटे हुए हैं, उसमें भी हमारा है कुछ, हमारा मतलब कि भाजपा का। योगी जी पर ना एक भी भ्रष्टाचार का आरोप है, ना परिवारवाद का आरोप है, ना झोला लेने का आरोप है, ना एक उन पर दाग है। सबसे ज्यादा मुकदमे आने के बाद सबसे पहले वो मुकदमे राजनेताओं का, जब तक मुकदमा नहीं होगा तब तक वो नेता नहीं बन पाएगा। मैं कह रहा हूँ जैसे कोई अगर किसी, मान लीजिए हम हैं, अगर हम किसी बात को लेकर आंदोलन में जाएंगे तो जाहिर सी बात है अगर जो प्रसाद मतलब दूसरी सरकार होगी हमारे ऊपर मुकदमा ला देगी। वो उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे नहीं थे, वो पर सरकार द्वारा जबरदस्ती ला दिए गए मुकदमे थे। हमारे बड़े भाई आरोप लगा रहे हैं कि क्या नाम महाराज जी पे मुकदमे हैं। बड़े भाई इसी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हम लोगों के सीनियर है, इनके ऊपर भी कई राजनीतिक मुकदमे हो चुके हैं। इसका मतलब क्या कि बड़े भाई अपराधी हैं? नहीं नहीं, मुकदमे देखिए, मुकदमे राजनीतिक अलग होते हैं और यहाँ पे आपराधिक मुकदमे हैं, ये आप भी जानते हैं और सारा समाज और पूरी दुनिया पूरे उत्तर प्रदेश की जनमानस जानती है कि योगी जी पे कैसे कैसे मुकदमे थे, राजनीतिक मुकदमे। योगी जी पे तमाम आपराधिक मुकदमे हैं, आपराधिक, जैसे किसी का मर्डर किया हो, रेप किया हो, ऐसा कुछ नहीं, तमाम हाफ मर्डर के केस उन पे हैं, कुछ मर्डर के भी चार्ज हैं, कुछ नहीं नहीं देखिए फिलहाल में देखिए बात ये लोग भ्रष्टाचार की कर रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट आ रही है। भाई साहब आप भी पढ़े लिखे नौजवान लग रहे हैं, एक बार आप भी एनसीआरबी का रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। 50% इनके 5 साल के कार्यकाल में 50% एनसीआरबी की रिपोर्ट ने 50% में इन्होंने उछाल लाया है अपराध के मामले में। और सुनिए भारत के और उत्तर प्रदेश दोनों कैबिनेट के मिला करके लगभग 19 एमपी एमएलए ऐसे हैं जिन पर रेप लूट हत्या जैसे संगीन मामले। रेप लूट हत्या की बात कर रहे हैं तो आपके तो मुलायम सिंह जी बोलते थे लड़कों से गलती होती है। नहीं नहीं देखिए, अब लड़कों से गलती होती है बात ठीक उन्होंने कही, बिल्कुल लड़कों से तो गलती होती ही है, गलती से मान लीजिए किसी लड़की का रेप हो गया और बोल दिया कि लड़कों से गलती हो जाती है, हाथरस में बिटिया के साथ रेप होता है, एक मिनट, हाथरस में अगर बेटी के साथ रेप होता है और 2 बजे रात को उसकी लाश जला दी जाती है तो यहाँ सरकार के सूबे में बैठे हुए लोग कहते हैं कि अंतिम संस्कार उसका 2 बजे रात को क्यों किया गया, क्या इसका जवाब? वो ठीक है लेकिन कार्रवाई हुई ना, ऐसा तो योगी जी बोले नहीं ना कि लड़के हैं गलती हो जाती है। लोग तो विधायक के लिए तिरंगा यात्रा निकालते हैं, अखिलेश एक मिनट, जिसका अखिलेश जी की सरकार में रेप होता था, उसके बाद इनके यहाँ छोटा छोटा कार्यकर्ता अपने आप को अखिलेश यादव शो करता था, इनका जिले सुनिए जी, मैं बात कर रहा हूँ, मैं थाने की बात कर रहा हूँ, इनके सरकार में थाने जितने जलाए गए और आज के सरकार में आप देख लीजिए एक भी थाना नहीं, अगर नहीं, अगर किसी भी झूठ कह रहे हैं, ये झूठ कह रहे हैं, इनके सरकार में थाने जलाए जाते थे, चौकी जला दी जाती थी, पूरा सबका ट्रांसफर, तीन बात नहीं कर रहा हूँ, आपके सरकार में पत्रकार मारे गए, आपके सरकार में पुलिस मारी गई, तब कहाँ थे ये, आज ये बात कर रहे हैं अपराध की। एनकाउंटर कर दिया गया है, लगातार जारी है और बहुत बढ़िया से, केवल निर्दोष ब्राह्मणों का हुआ है सरकार। शर्म की बात यह है कि भैया खुद ब्राह्मण है, शर्म की बात यह है कि भैया खुद ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की लड़ाई लड़के भैया को बीच में आना चाहिए, बने क्या किया जाएगा, भैया को ये कहना चाहिए ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, तो ब्राह्मण है उनको लग रहा है कि अत्याचार नहीं हो रहा है, वो तो खुद ही ब्राह्मण है ना, नहीं तो हमको नहीं, तो ये सोचना चाहिए ना, अपराधी अपराधी है ना, ब्राह्मण ठाकुर
अपराधी होता है, ब्राह्मण और ठाकुर नहीं होता। इनकाउंटर हुआ है, वो निर्दोष थे, तो आगे भी इनकाउंटर होता रहेगा, लगातार उनका इनकाउंटर होगा।